इतनी खूबसूरती देखी है कभी? जी हाँ, ये हमारे देश की ही खूबसूरती है। बॉम्बे में आ गए हैं तो मुंबई की खूबसूरती देखने के लिए। हे गाइस, मैं हूँ दीपशिखा, स्वागत करती हूँ आपका अपने नए व्लॉग पे। तो बॉम्बे आ गए हैं, देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ की एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में थोड़ा जल्दी जाने के ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं, खूबसूरती देख सकते हैं। और अगर रात का ट्रेवल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग होती है, और लॉन्च में जाओ कुछ खा लो, खाना पीने का भी सही रहता है। इसलिए एयरपोर्ट हमेशा जल्दी पहुँच जाना चाहिए। फिर हड़बड़ी में भी ना ऐसा भी नहीं होता कि फ्लाइट छूट जाएगी, हमें जल्दी आना चाहिए। इसलिए पहले से ही जल्दी जल्दी काम वाम निपटा के टाइम से पहुंच जाना चाहिए, और 1 घंटे का स्पेयर टाइम होना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ घूम फिर सकें और खा पी सकें। तो इसके बाद चलेंगे लॉन्च में, थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं और इमिग्रेशन करवा लेते हैं, फिर चलेंगे लॉन्च में कुछ खाने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक डन शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। और कमेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट्स करके जाना, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो खूबसूरती देखो एयरपोर्ट की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर। ये देखो भाई, घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की जगह पर, और इसलिए 1 घंटा बहुत ज़रूरी है, हमारे पास फ्री होना चाहिए ताकि हम घूम सकें, खा पी सकें और बहुत सारा एंजॉय कर सकें। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी मिल जाती है खाने की, काफ़ी सारे फूड चेन्स रहते हैं, फूड कोर्ट रहते हैं, तो मुझे खाने पीने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है ये प्लेस। और बाकी लॉन्च में जाओ, लॉन्च में अगर ना जाना चाहो तो बाहर खा लो। यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्टारबक्स तो मेरा फेवरेट है, जहाँ भी जाओ स्टारबक्स मिल जाता है। बट एयरपोर्ट में जो मिलता है ना, हर जगह पास पास में मिलता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब चलेंगे हम लोग कुछ खाने के लिए, पहले एक चक्कर उस गेट में हो आते हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी, उसके बाद चल कर देखते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्च, वहीं करेंगे आज का खाना। बहुत ज़्यादा यम्मी होने वाला है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। स्पेशली ऐसी जगह में खाने का बड़ा चिंता रहता है। तो ये ले लिया अपनी थाली, मैंने सजा ली है, इंडियन फूड है और बहुत ज़्यादा यम्मी है, और बहुत ज़्यादा यम्मी तो फूड है और बहुत ज़्यादा चकाचौंध है यहाँ पर। इसके साथ लूँगी एक कॉफ़ी, खा पी के निकलेंगे, हमारी फ़्लाइट आने ही वाली है। चलो बैठ गए हैं, अब जल्दी से निकलते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और वहां जाकर दिखाऊंगी मैं खूबसूरत सा नज़ारा। रास्ते में देखेंगे कैसा रहता है और कितनी देर में हम लोग होटल पहुंच पाएंगे। 2 घंटे की फ़्लाइट है, पहुंच गए हैं अपन होटल, और ये हो होटल का स्विमिंग पूल। पूल देख कर याद आया कि क्यों ना आज बीच पर जाया जाए, तो चलो बीच पर चलते हैं और सनराइज़ वहीं से देखेंगे। ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है स्विमिंग पूल। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का एहसास लेकर हम लोग निकल पड़े हैं बीच के लिए। तो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीच दिखा था सामने, और होटल में पता किया था बहुत अच्छा है, तो वहीं जाएंगे और वहाँ आज अच्छे से एंजॉयमेंट होगा। होता है ना कि कहीं बीच प्लेस में जाएं और वहाँ पे एंजॉय ना कर पाओ, बीच पे ना जाओ, बस होटल में ही रह जाओ कभी कभी, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है, बट आज नहीं छोड़ेंगे। ये देखो क्या नज़ारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। खूबसूरती और बिल्कुल पीस देखने के साथ साथ यहाँ पे ना एक पॉजिटिविटी भी आती है, बहते हुए पानी को देख कर भी बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बंदा बन जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स भी आए थे, अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे यहाँ पे सनराइज़ सनसेट वगैरह के टाइम। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और दिन में तो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है तो लोग कम आते हैं, बट सुबह और शाम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती लग रही है। जैसे कि गर्मी है तो इतना ज़्यादा पानी भी नज़र नहीं आ रहा है, और ये उगते हुए सूरज को सलाम, सूरज आ चुके हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने ली है यहाँ की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी फ़ोटोग्राफ्स हैं और बहुत अच्छा नज़ारा है। देखो ये कलरिंग देखो, क्या जब सूरज की किरणें आती हैं क्या कलर हो जाता है यहाँ पे,
वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट सुबह सी साइड पे आ जाओ या फिर लेक साइड पे आ जाओ, कहीं भी जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडा ठंडा लगता है, और आप पैरों को भी पानी के अंदर दे के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। और एक और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा फ़ोटो खींचा है, ये भी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय।